घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। छोटे वाले कान्हा जी को नहला। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। तो जी, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आप लोग भी आज तो सब बिज़ी ही होंगे, हम लोग भी आज बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं और आज का ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसे कि आपने देखा ही स्टार्टिंग में। तो अभी ये वीडियो जो है ये मॉर्निंग का है, मतलब दोपहर का है, 12 बजे के बाद का है। तो यहाँ पर हम लोग जो हैं भगवान जी को नहला रहे थे, स्नान करा रहे थे। तो इसमें जो है पंच तत्व जो भी, मतलब जो भी रहता है, दूध दही थोड़ा सा घी थोड़ा सा शहद, ये सारा कुछ दे के जो है गंगा जल, ये सब कुछ दे के भगवान जी को अभी स्नान करा रहे हैं। तो एक एक करके मैं, माही, दादी, हनी सब को ही हम लोग किए हैं, बच्चे लोग जितने भी बच्चे थे सारे लोग एक एक करके स्नान किए। उन लोगों को भी बड़ा क्रेज़ रहता है ना बच्चों को जो भी देखते, खासकर हमारे हनी को बहुत ज़्यादा है, मतलब हर चीज़ में वो मैं करूँगा। इवन जब भी हम लोग आरती करते हैं तो आरती में जो घंटी बजती है, घंटी भी उसी को बजाना रहता है। शंख बहुत अच्छा बजाता है हनी। दुर्गा पूजा में भी हमारे यहाँ पे कंपटीशन होता है तो उसमें भी शंख बजाता है। तो यहाँ पे भगवान जी को जो नहलाए थे उसी के पानी से जो है सब कोई थोड़ा थोड़ा हम लोग अपने सर पे ऐसे लगा लिए, तो हनी मेरे सर पे ऐसे लगाया था। तो यहाँ पे बाकी सारे बच्चे भी जो है स्नान करा रहे हैं। गोपाल जी बस लड्डू गोपाल जी वस्त्र पहन लिए हैं, अब लड्डू गोपाल जी को मुकुट पहनाएंगे। हम मुकुट पहनाएंगे ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, हाथी घोड़ा ग्रीन वाला पहनाओ, ग्रीन वाला, ब्लू वाला वो वाला ड्रेस के साथ वाला। छोटे वाला, हाँ ग्रीन वाला पहनाओ। तो, मेरा पसंदीदा कलर ग्रीन, मेरा भगवान। अरे आग उड़ गया। यहाँ पे हमारे जो है कान्हा जी नहा धो के रेडी हो गए हैं, भोग भी इनको लगा दिया है हमने। और ये देखो, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सजाए, और ये जो मटकी देख रहे हैं दोनों, ये हम लोग अभी बाहर फुड़वाएंगे। मैंने यहाँ पे बैलून से भी डेकोरेट कर लिया, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यहाँ पे मैंने पूरे फ्लावर लगाए थे येलो वाले, बट भोग लगाना था। अभी तो फलाहार दिए हैं, शाम को भोग लगेगा। ये जो दिया है ये हनी ने दीपावली में पिछले साल डेकोरेट किया था, तो मैं इसको संभाल के रख दी थी, इसको मैं यूज़ नहीं की थी। तो चलो कोई ना, बहुत अच्छे तरीके से जो है भगवान जी के लिए ये यूज़ हो गया है। तो ये रहा पूरा आसन, और ये मटका मैंने डेकोरेट किया है, इसको अभी हम लोग फोड़ेंगे बाहर, बच्चे लोग फोड़ेंगे मैं नहीं। और आरती अभी इस वाले दिए से कर लिए हैं, और ये वाला जो दिया है ये शाम को होगा आरती एक बार और जब भोग लगेगा। तो हमारे लड्डू गोपाल जी, छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी कैसे लगे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और किन लोगों ने ऐसे ही पूजा की, और ये खीरा रखे हैं ना, खीरा तो रात को होगा, इसको ऐसे कट लगाते हैं बीच से, सब बोलते हैं कट लगा के फिर उसमें से कान्हा जी का जन्म होगा। तो वैसे तो कल से हो गया है, मतलब एक दिन पहले से जो है वो हो गया है, लग गया है जन्माष्टमी, इसलिए हम लोगों ने आज दूसरे दिन ये किया है। सो गाइस, अभी जा रही हूँ मैं रेडी होने, बच्चों को भी रेडी करने, उन लोगों को कान्हा राधा बनाना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी ब्लॉगर नेहा। तो जी आ गई हूँ जन्माष्टमी का ब्लॉग लेके। तो आज मैं भी थोड़ी सोची राधा तो नहीं, मैं यशोदा माँ बनी हूँ। दोनों बच्चे यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है। तो कैसे हैं आप सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप लोगों ने जन्माष्टमी कैसे मनाया मुझे बताइएगा। अभी तो बचा है बहुत कुछ हमारा, बस पूजा करके हम लोग अभी रेडी होके, बच्चों को रेडी करके बस चले आए हैं यहाँ पे, थोड़ा फोटो सेशन करवा रहे हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप बच्चे लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। पूजा हो गया, शाम को फिर से पूजा करना है, मटकी फोड़ होगी, बस बने रहिए ब्लॉग में। या
यहाँ पे हनी की नौटंकी देखिए, मतलब एक भी मतलब फ़ोटो उसने अच्छे से क्लिक नहीं कराया है, मतलब सारे फ़ोटोज़ उसके इधर उधर ऐसे वैसे करके आए हैं। और बहुत डांट खाने के बाद जो है हनी ने फ़ोटो क्लिक करवाया है। मतलब दादी बोल रही थी मुझे कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो हमेशा लड्डू गोपाल की पूजा करती थी और उनको राखी भी बांधती हूँ मैं हर साल, तो बोलती है कि तुम लड्डू गोपाल की पूजा करती थी, देखो तुम्हारे पास लड्डू गोपाल आया है। मतलब पूरा वैसे, और वो खुद बोलता भी है ना कि मैं तो कान्हा बनाऊँ ना तो मैं कान्हा जी भी बहुत नटखट थे, तो मैं भी बहुत नटखट हूँ, मैं भी बहुत शैतानी करूँगा, वो ऐसा बोलता भी है। तो बहुत मुश्किल से जो है बच्चों का थोड़ा बहुत वीडियो जो वो बना है, थोड़ा बहुत रील्स भी बनाए हैं हम लोग। तो चाहे तो आप मेरा जो लिंक है वो चेकआउट कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, मतलब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जो लिंक है वो दे दूंगी। तो आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे रील्स हैं अगर आपको पसंद आएगा तो। तो यहाँ पर बस इन लोगों का फ़ोटो सेशन हो रहा है और ये खुशी भी है हमारे रेंट में ही रहती है। और यहाँ पे अभी हम लोग करने वाले थे एक डांस, मतलब छोटा सा एक रील बना रहे थे, तो उसी का वीडियो शेयर कर रही हूँ आपसे। बहुत ही मुश्किल होता है छोटे बच्चों को टैकल करना, मतलब यशोदा जी सच में बहुत पागल हो गई होंगी कान्हा जी से, जैसे कि मैं हो रही हूँ यहाँ पे हनी से। मतलब एक बार में कोई भी बात नहीं सुनता है। और आज मेरा और दादी का फर्स्ट भी है और हस्बैंड यहाँ पर नहीं है, हस्बैंड गए हुए हैं दिल्ली, वो मैं आपको दूसरे वाले ब्लॉग में बताऊंगी आपको कि क्यों गए हैं और कहाँ गए हैं। तो फिलहाल तो ये है छोटा सा वीडियो। ये मटकी मैंने सजाई है, बच्चे बिल्कुल भी सजाने नहीं दे रहे थे। एक और मटकी है वो भी मैंने सजाया है, मैं दिखाती हूँ उसको। और इसमें भर दी हूँ मैं, दही तो नहीं दी हूँ क्योंकि बच्चे पे दही इधर उधर कर देंगे, गिरा देंगे, कुछ भी हो जाएगा, तो दही नहीं दी हूँ। दही की जगह मैंने इसमें चॉकलेट डाल दिया है, तो चॉकलेट इसमें बस भर दिया है। अब इसको बांधने की तैयारी हो रही है और ये मामटी का इधर उधर हो रहा है। तो अभी होगी मटकी फोर, माही की हालत देखी, वही हाई कर दो। तो अभी होगा मटकी फोर, एक और राधा हाय कर दो सबको, बोलो हैप्पी जन्माष्टमी। और ये कान्हा सच में कान्हा है, बहुत ज्यादा नोटी, बहुत ही ज्यादा। तो चलिए फिर इसको फिर लटकाने का जुगाड़ बनाते हैं। तो अभी चल रही है मटके लटकाने की तैयारी, जो कि छोटू का काम है, मतलब वो तो हर काम में एक्सपर्ट है, मतलब कुछ भी बता दो कि हाँ बस सब कुछ हो जाता है। मतलब अगर छोटू ना रहे तो मेरा तो कोई भी काम ना हो। तो यहाँ पे अभी लटकाने की तैयारी चल रही है कि कैसे लटकाए। और इसमें मैंने दही नहीं डाला है जो मटका है, क्योंकि बच्चे हैं तो दही इधर उधर लग जाएगा, इसलिए मैंने इसमें चॉकलेट लगा दिया है बहुत सारा। और यहाँ पे ना मतलब हमारे ही बाजू में एक जगह कीर्तन हो रहा था बहुत बड़ा सा, मतलब तो उसका बहुत ही साउंड आ रहा था। तो यहाँ पे माही और ये सारे बच्चे जो हैं सब डांस कर रहे थे उसकी आवाज़ सुन के। और मटका जो है यहाँ पर रेडी हो गया है, बन चुका है, बस अब इसको फोड़ने की तैयारी करते हैं। और इसमें भी हम लोगों बच्चे को आंख मतलब बंद करके फोल्ड करके कपड़े से उसके बाद फिर करेंगे। तो जी मटका जो है रेडी हो गया है, वहाँ पे सज गया है मटका और अभी हम लोग जा रहे हैं मटका फोड़ने। हम लोग मतलब बच्चों से ही फोड़वाएंगे, देखते हैं, बस बच्चों की आंख में पट्टी लगाएंगे, उसके बाद फिर मटका फोड़ कॉम्पिटिशन रखेंगे लोगों का, तो देखते हैं कि क्या होता है। आप लोग भी बने रहे वीडियो में और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फिर दिखाते हैं कि क्या होता है, कैसी मस्ती करते हैं बच्चे। आग बंद करके रखना ना, ग्लू वाला मार फोड़ दिया, आग बंद रखना। तो किन किन के बच्चों ने ऐसा मटकी फोड़ा है मुझे बताइएगा। यहाँ पे हनी का आँख जो है वो हम लोग कपड़े से फोल्ड कर दिए थे एक, तो वैसे मैंने उसको कदम मतलब जो स्टेप है वो 5 स्टेप रहा उसका, तो मैंने उसको बता दिया था। तो बस यहाँ पे उसकी मटकी फोड़ जो है
बहुत चल रही है और बच्चे बहुत ही इंजॉय कर रहे थे इसको। तो बस मटकी फोड़ हो गई है और यहाँ पे चल रही है हमारी मस्ती, यानी डांस चल रहा है बिना डांस के। यानी कान्हा जी का त्यौहार है और डांस और मस्ती ना हो तो फिर क्या मज़ा है ना। तो यहाँ पे हम लोग बच्चे लोग मिलके, दादी, मैं, हम लोग सब कोई मिलके थोड़ा सा डांस जो है वो कर लिए। मैं आपको गाना ज़रूर बताती बट यहाँ पर कॉपीराइट का इशू हो जाता है। तो यहाँ पे कभी वो एक नया गाना चला ना, राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। तो यहाँ पे बस वही गाना चल रहा था और बच्चे खूब इंजॉय किए, बहुत ही मस्ती किए हैं। थोड़ा सा मिस कर रही थी हस्बैंड को, मतलब वो रहते तो और मज़ा आता क्योंकि हर साल वो साथ में रहते। बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मा पापा इस बार नहीं है तो थोड़ा सा सुना सुना लग रहा है, बट बच्चों को क्या है, उन लोगों को तो इन्जॉय करने से मतलब है। उसके बाद फिर लोग सब कुछ भूल के खूब सारा इन्जॉय किए, खूब सारा डांस किए। बस मटकी फोड़ने के बाद ये हुआ हमारा डांस, थोड़ा सा सब कोई मिल के बहुत मस्ती की है बस। बस यहाँ पे अभी हम लोगों की मस्ती ख़त्म हो गई है और भगवान जी को भी हम लोगों ने भोग लगा लिया है। तो इतना ज़्यादा थकान हो रहा था ना, मतलब डांस वगैरह करके ना फिर एकदम कुछ मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सिंपल सी आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाई है और मिठाई वगैरह था तो मिठाई मैं नहीं खाती हूँ। यहाँ पे मेरे कान्हा जी को भी देखिए अभी प्रसाद जो है खा रहे हैं मेरे गोपाल। हनी जब छोटा था तो मैं इसको अपना गोपाल ही बोलती थी कि मेरा गोपाल है। तो बस गोपाल जी को और हमारे छोटे से नटखट जी गोपाल जी को भोग लग रहा है अभी। सो एवरीवन, प्रसाद जो है वो रेडी हो गया है, माही खा ली है, बस मैं और हनी बचे हैं और दादी भी खा रही हैं। तो इस वाले ब्लॉग को, मतलब जन्माष्टमी के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया होगा गाइस, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पे नए हैं क्योंकि बहुत सारे जो है न्यू देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो फिर देखते हैं ये ब्लॉग, जो भाभी का गोद भराई का ब्लॉग है वो मैं इसके बाद अपलोड कर दूँगी। तो ये वाला ब्लॉग पहले आना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत स्पेशल ब्लॉग था आज हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। तो हस्बैंड जो हैं वो गए हुए हैं दिल्ली, तो उसको मैं बताऊंगी दूसरे वाले किसी ब्लॉग में बताऊंगी हम आपको पूरा। तो इसलिए नहीं आए हैं वो, मतलब नहीं थे आज। सो ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।